समाचार प्लस पर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा एक्सक्लूसिव मोहीदु नगर चीनी मिल का विस्तार मील का पत्थर साबित होगा मोहीदु नगर चीनी मिल नई तकनीक से लैस होगी किसानों के फायदे के लिए चीनी मिल का विस्तार हो रहा है सीएम योगी आज मिल के विस्तारीकरण का शुभारंभ करेंगे पूर्व चीनी मिल का विस्तार का कार्यक्रम है सुरेश राणा जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं राणा जी गन्ना विभाग आपका है जिस तरीके से बागपत की बात करें मेरठ की बात करें नई चीनी मिल लग रही करे विस्तार हो रहा है योगी जी खुद जाने वाले हैं हैं कितना पॉजिटिव समझते गन्ना किसानों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करनी है मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तर तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को कि उन्होंने लगातार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तेजी के साथ कदम उठाए हैं और उसी का परिणाम है कि लगातार गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है साथ ही साथ नई चीनी मिलों की स्थापना हो रही है और जो चीनी मिलें काफी पुरानी हैं या ज्यादा आवश्यकता जहां पिराई की है उन चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार हो रहा है चाहे वो मोहिदीनपुर की चीनी मिल हो चाहे रमाला की चीनी मिल हो चाहे वो आपकी नजीबाबाद की चीनी मिल हो सारी चीनी मिलों का विस्तार आदरणीय योगी जी के द्वारा हो रहा है कल भी एक करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और वहाँ हम एक 17 मेगावाट का कोजन प्लांट भी लगा रहे हैं और साथ साथ वहाँ 3500 सौ की मिल का विस्तार कर रहे हैं किसानों में बहुत खुशी है अभी मैं वहाँ से आया हूँ और किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनंदन सभा भी रखी है आभार सभा भी रखी है और कल वहाँ योगी जी जाएंगे मैं कह सकता हूँ किसानों में जश्न का माहौल क्या क्या कुछ नया रहेगा जिस तरीके से आपने बताया कि वहां से बिजली बन सकेगी एथेनॉल की बात ऑलरेडी आ रही है कि एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा क्या कुछ नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाई नहीं, नहीं मान्य मुख्यमंत्री जी ने बहुत दूरदृष्टि के साथ सारे विषयों को देखा है समझा है परखा है और उन्हें जारी किया है कोजन प्लांट का मतलब यह है कि वहां जब कोजन प्लांट होगा उसके सबसे सब बड़ा फायदा तो यह है कि विद्युत का उत्पादन होगा और दूसरी बात यह है कि उस मील की आर्थिक क्षमता बढ़ जाएगी और जब मील की आर्थिक क्षमता बढ़ जाएगी तो किसानों के भुगतान में कोई समस्या नहीं आएगी तो लगातार मुख्यमंत्री जी ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो किसानों के हित में किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है किसानों की आमदन को बढ़ाना तेजी से आदरणीय योगी जी उस पर काम कर रहे हैं देने शुक्रिया चलिए राणा जी की बात करें तो उनको लगता है कि चीनी मिल जितनी खुलेगी उतना फायदा होगा गन्ना किसानों का और जितना किसानों का फायदा होगा तो 2022 तक जो मोदी सरकार का लक्ष्य है आमदनी को दोगुना करने का उसे प्राप्त किया जा सकता है कैमरामैन मैन रजनीश के साथ राहुल लवास दिल्ली समाचार प्लस